तो हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं एक स्टोरी बेस्ड गेम जिसका नाम ब्लैक मेमोरी है। तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी गेम है। तो ये सीरीज़ मुझे लगता है अच्छी जाने वाली है। तो आइए इस बेहतरीन सी सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सब देख सकते हैं, हम लोग गेम में आ गए हैं। तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा। यस, हमें कंटिन्यू ही करना है। मतलब कि मैंने न्यू गेम खेला है, और अगर शुरू में खोलेंगे तो कंटिन्यू और न्यू गेम दिखाएगा। तो आप किसी पर भी क्लिक करिए, गेम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। तो ये हमारी गेम लोड होते हुए जल्दी से लोड हो जाए, और उसके बाद हम खेलेंगे फिर इस गेम को। ये गेम लोड हो रही है, तब से हम लोग गेम की बात कर लेते हैं। तो ये गेम एक गर्ल पे बेस्ड है, और हाँ, ये अभी पूरी हो रही है, इसका बेटा वर्जन है। तो मतलब ये चैप्टर, अलग अलग चैप्टर पे आएगी ये गेम। तो ये इसका पहला चैप्टर है। हाँ, ये इसका पहला चैप्टर, और ये मतलब स्टोरी बेस्ड गेम है, बहुत अच्छी गेम है ये। तो हम लोग आगे और चैप्टर जब रिलीज़ होगा तो हम और चैप्टर भी खेलेंगे। तो हाँ, यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गई है। ओरिजिन, पहले चैप्टर का नाम है ओरिजिन। ये एकदम रियल ग्राफिक की तरह लग रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस गर्ल का नाम सीलिया है, ऐसे ही कुछ है। और हाँ, ये इसका जापानीज में, मतलब ये जापानीज में बोलते हैं, लेकिन जो लिखता है वो इंग्लिश रहता है। तो हाँ, अच्छी गेम है। तो यहाँ पे दुश्मन अटैक करते हुए, और बहुत अच्छी ग्राफिक के साथ देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम इसको मारते हुए, तो मुझे लगता है इसे एक चिप मिली है, उसी का इससे कुछ काम करना होगा इसको। तो यहाँ पे मारते हुए हम ये तो आराम से मर जाएंगे। और शुरू में इतना पैनिक कर देते हैं ये, मुझे तो ट्यूटोरियल भी नहीं पता था। मतलब मैं जो मन में आया वो दबाया था, थोड़ा बहुत पबजी खेला था इसलिए पता था कि हाँ, ये बटन दबाना है, यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये शायद से इसके पास ये हाथ में कुछ होता है जिससे ये सब कंट्रोल करती है। और ये एकदम मस्त तरीके से ग्राफिक से ये स्क्रीन टूटी, और हम आगे पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ही इसको कुछ एक्सेस करना होगा। तो हमें यहाँ पे एक गन मिल गई है, और यहाँ पे अब हम तबाही मचाने वाले हैं। तो यहाँ पे बंदा मारते हुए, और यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये पावर यूज़ की थी और इससे तो ये लटक गया। और फिर आखिरी बंदा था शायद से ये, हाँ। तो फिर शायद वो मुझे वो सामने तक जाना है, तो हम वहाँ से जाके इसको एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ हो रहा। अरे ये क्या हुआ, ये लोग भी आ गए, चलो इनसे भी लड़ लेंगे। अरे देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया ग्राफिक है, और स्टोरी भी कितनी मस्त है। तो जिनको समझ में नहीं आ रही जापनीज, वैसे मुझे भी नहीं आ रही है, तो वो नीचे जो लिखा है उसको पढ़ के समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद ये कोई दूसरे दुनिया में एक्सेस करने वाले थे, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मुझे जापनीज आती नहीं, तो मैं इतनी अच्छे से स्टोरी नहीं समझ पाऊँगा। और हाँ, ये देखिए, शायद से दूसरी दुनिया का है, तो हम भी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। तो अब मुझे यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी, बहुत सारे उसे मारना पड़ेगा। और हम ये दूसरी दुनिया में पहुँच गए, और ये गेम लोड होते हुए, तो गेम लोड हो रही है। और जब से ये गेम लोड हो रही है, तब से आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हाँ, ये गेम लोड हो रही है अभी भी, ये गेम लोड हो गई है। तो हम ये दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। अन इन्वाइटेड, यूनिवाइटेड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलिए, जो भी लिखा है, हमें उससे क्या करना है, हमें तो गेम से मज़ा लेना। और ग्राफिक देखिए आप एक बार, गजब के ग्राफिक हैं इसके। और हाँ, ये 2 GB RAM के फ़ोन पे ही चलेगी, तो मतलब जिसका 3 या 4 GB है उसी पे चलेगी शायद से, आप चेक कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर। तो अब हमें यहाँ जाना है ऊपर की तरफ। तो बस हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे, इनसे फाइट करना है। स्विच गन टू चेंज, यहाँ पे फाइट करेंगे। अच्छे थे ये भी, लेकिन बहुत कमज़ोर थे, हमें इनसे फाइट नहीं करना है। तो अब हमें इसके अंदर जाएंगे, गुफा के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रॉय दिस वुड प्लैंक, क्यों नहीं, डिस्ट्रॉय भी करेंगे हम। और ये देखिए, मेन तो ये है, शायद से बॉस है ये, पता नहीं, लेकिन हम इसे मारने की कोशिश करेंगे। और ये पिस्टल से मारते हैं पहले, ताकि ज़्यादा एमो वेस्ट ना हो। और ये देख, यहाँ पे ये बहुत सही चीज़ है, स्प्रिंट करना, स्लाइड करना, ये अच्छा लगता है। तो हम
हम यहाँ से मार रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं इससे मारेंगे तो पता नहीं क्या कब मरेगा, लेकिन ये मर जाता है इससे। तो हाँ ये मर गया, एक ही भारी पड़ रहा था, ये दूसरा भी चला आया। कोई बात नहीं, इसको भी हम मारेंगे। तो ये जल्दी मर जाते हैं, मुझे लगता है ये बॉस हैं, लेकिन ये बॉस नहीं रहते हैं क्योंकि ये जल्दी मर जाते हैं। मुझे इस समय एमओ का ध्यान ही नहीं था, मुझे एमओ बचा के रखनी चाहिए थी आगे के लिए। और ये देखिए फिर से स्टोरी की तरह स्टार्ट हो गया, हम बचेंगे, बच गए हूँ और अब हम मारेंगे। रश की जॉयस्टिक मैंने किया और हो गया, और यहाँ पे ये मरता और ये सब, मतलब एक टाइप से ज़ॉम्बी गेम ही लग रही है मुझे भी ये। लेकिन स्टोरी अच्छी है इसकी, बहुत से लोग बता रहे थे। और इसकी एक डिसएडवांटेज ये है ना कि ये कुछ जैपनीज में है तो थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन चलिए। और यहाँ पे शायद मेरी गेम लैग कर गई थी, मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा, मतलब इतनी तेज़ गुस्सा आई ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से रिस्टार्ट करके खेलेंगे। एक बार हम फिर से वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे मुझे फिर से इसको मारना पड़ा, फिर से शेरों को मारना पड़ा था, लेकिन मैंने इस बार पिस्टल से मारा, ज़्यादा वेस्ट नहीं किया मैंने। तो ये पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन मैंने मार दिया। और ये गेम बेटा में है ना, इसलिए थोड़ा सा लैग कर रही है। और ये देखिए मैं फिर से फंस गया। अब बताइए, मैंने अभी एग्जिट करके आया था और मैं फिर से फंस गया, अब मैं मर जाता हूँ तो क्या कर सकते हैं। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये डेवलपर अच्छा है क्योंकि ये बेटा में चल रहा है, और मेरे हिसाब से इसमें ग्लिचेस सही हो जाएंगे जैसे ही अगला अगला चैप्टर आएगा। तो हाँ, मुझे फिर से एग्जिट करना पड़ा, मतलब कि क्या बताऊँ, अब फिर से मुझे शेरों को मारना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करिए, आप इसे नहीं देखेंगे, मैं फिर से शेर को मार के आता हूँ। तो एक बार हम फिर से वापस आ गए हैं। अब पता नहीं इस पूरी सीरीज़ में हमें कितनी बार एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन चलिए ठीक ही है, करते हैं। तो यहाँ से मैंने फिर से मारा इसको, और इस बार मैंने ध्यान रखा कि मैं कोने में नहीं जाऊँगा ताकि मेरा फिर से ग्लिच ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं कोई मार रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्प्रिंट किया। तो हाँ, मैं ये वाली पावर बहुत ही अच्छी उल्टा लटका देने वाली, यहाँ पे बस जो बटन आया मैंने उसको दबाता गया और ये मर गए। और ये फिर से आ गए, तो मैं इसे फिर से मारता हूँ। और ये जो ऊपर लाइटनिंग है शायद से ये एक्सपी है, तो ये पावर बहुत ही अच्छी है ये वाली, एकदम उल्टा लटका देती है, कोई कुछ कर नहीं पाता। तो हाँ, फिर से स्प्रिंट, मतलब यही है यार, इसको पार करने के बाद शायद से फिर कुछ और मॉन्स्टर आएंगे। मेन तो इसकी स्टोरी है, काश ये इंग्लिश में होती तो और अच्छा होता। डेवलपर शायद अगला इंग्लिश में रिलीज़ करे, और मतलब ये नहीं कि जापनीज बेकार है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जिनको इंग्लिश आती है वो तो इंग्लिश में ही चाहेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम मारते हुए, और ये मर गया हेडशॉट। तो ये ऑफलाइन गेम है, एक सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये ऑफलाइन गेम है ये, और ये भी बहुत जल्दी मर जाएगा। और ये यहाँ से एक्सपी लिया मैंने, तो अब हम गेम में आगे बढ़ते हैं। और ये क्या गया ऊपर बड़ा से, शायद यही बॉस बैटल है, आखिरी में शायद इसी से लड़ना हो, पता नहीं। तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सब मर गए हैं। यहाँ पे जंप जंप, और यहाँ पे रास्ता ही नहीं मिलता, समझ भी नहीं आ रहा कहाँ जाना है, लेकिन जंप नहीं करना था शायद से। मैं वापस जा रहा हूँ, फिर से देखता हूँ और कोई रास्ता कहीं से मिल जाएगा। और यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं है, और हम फिर से जंप करेंगे। और बस इस समय तो इतना डर लग रहा था कि बस बैक ना करना पड़े, क्योंकि ग्लिच इतने गेम में है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम कर खेलेंगे इसको, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। एम फॉर दी टॉप ब्रांच, हाँ ये टॉप ब्रांच, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रेस जंप टू अनरोप, हाँ ये भी हो गया, चलो अच्छी चीज़ है ये भी। और यहाँ पे मैं बस आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ पे फिर से ग्लिच हो जाता है, और इस बार लगता है गुस्सा आती है, इस बार बैक नहीं करूँगा मैं, मतलब ना मैं आगे जा पा रहा था ना पीछे। तो फिर जो मन में आया वो दबाता गया। तो देखिए आप लोग, अब यहाँ पे इतना बुरा फंस गए थे, ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। अब ऐसे पूरी सीरीज चलने वाली थी तो फिर अच्छे से चली जाती सीरीज, लेकिन इतने ग्लिच में देखते हैं खेलते हैं। और ये हम बच गए हैं, मैं बस बटन दबाता गया जो मन में आया, और ये हम लोग निकल गए हैं, फाइनली फ्री हो गए हैं।
होल्ड डाउन जंप व्हेन रनिंग, और होल्ड किया है मैंने, और ये क्या मतलब, ये क्या है यार, मैंने किया तो था जंप, अब पता नहीं कैसे मर गया मैं। हम वापस आ गए हैं तो इस बार हम डबल जंप करने की पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी गेम लोड हो रही है, तो यहाँ पे हमारी गेम लोड हो रही है, और इस बार हम डबल जंप करने की पूरी कोशिश करेंगे, सॉरी डबल जंप नहीं, उसको जो भी बोलते हैं, और भाई देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। अरे यार ये क्या बात है यार, मैं वैसे ही तो कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार हम पक्का कोशिश करेंगे, इस बार हम पक्का करेंगे। गेम तो हमारी ये गेम लोड होते हुए तब तक बात कर लेते हैं कि जिन्होंने लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए तो बहुत थैंक यू, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो कर दो यार, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी बेस्ड गेम आता है। तो इस बार हम डबल जंप परफॉर्म करने कर लिए हैं, सॉरी डबल जंप नहीं, जो भी इसे बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।